पंजाब दे जिला संगरूर दे विच इस बार कोरोना दे चलदिआं मजदूरां दी कमी नूं देखदे होए खेतीबाड़ी विभाग दे निर्देश अनुसार किसानां वल्लों सिद्धी खेती नूं तवज्जो दित्ती गई। सिद्धी खेती दे नाल हालांकि किसानां नूं मुनाफा मिलिआ पर इस दे बावजूद ओह सरकारां तों नाराज नजर आ रहे हन। उन्हां दा कहिणा है कि 3 महीने बीत जाण दे बाद भी सरकार ने उन्हां नूं DSR मशीनां दी सबसिडी नहीं दित्ती। किसान अमरीक सिंह का कहना है कि जिन्हां कोल 27 एकड़ जमीन है पहला ओ मजदूरां नूं लगा के झोने की खेती करता सी पर इस बार खेती विभाग के कहने अनुसार 12 एकड़ दे विच सीधी बिजाई की गई जिसनूं लैके ओ खुश हन पर सरकार नूं उन्हां नूं सबसिडी देनी चाहीदी है। अमरीक सिंह, मैं 27 एकड़ की खेती करदा, सारी जिवें झोना लाउणा ते इस बार मैं 12 एकड़ दे विच सीधी बिजाई करी DSR नाल। पिछली बारी मैं 5 एकड़ लाई सी, वह कामयाब रहा, मेरा बराबर जाने कि दूजी जीरी के बराबर ही झाड़ रहा, इस करके इस बारी मैं 12 एकड़ करेगा, जाने के कुल मिला के दूजी जीरी में खर्चा भी घटता है तो झाड़ तकरीबन बराबर रह जाएगा। किसान अवतार सिंह का कहना है कि मजदूरों के नाल खेती करना महंगा पैंदा है पर सरकार सबसिडी के नाम से किसानों के नाल लुट ना करे। मेरा अवतार सिंह जी, देखो जी DSR नाल मशीनों नाल बिजाई हुई सी, लेबर कनियों दिक्कत को समझते हुए लोगों ने सारे ने बहुत ने मशीन खरीदिया पर उस टाइम तो सारे जिमीदार असी ये डरते थे भी यह फसल हो जाएगी क्योंकि असी पहलां तो भी रवायती खेतों दूसरिया फसलों तरजीह दे रहे हैं जिदे विच ऑरगैनिक खेती भी है जा गन्ना भी है जे ते इस बारी असी खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के जिहड़े चीफ ने जसविंदर गरेवाल जी जा ADO ने धूरी जसविंदर जी उन्होंने दिशा निर्देशों से असी ने सीधी बिजाई इस बारी की। मैं 14 एकड़ की खेती कर रहा हाँ आप ते इस बारी मैं 5 एकड़ की बिजाई की। पहला तो मैं ये लग्या भी यह खेती सिरे नहीं चढ़नी, वो थोड़े जे नदीन भी ज़्यादा आ गए। नदीन ज़्यादा होने के मेन कारण सीगे भी असी नवे इस चीज़ ना जुड़े थे भी सानू ये बारे जानकारी नहीं थी उन्नी ते उस तो बाद नदीना ते जो लेबर पई 5 एकड़ चो सानू 2 एकड़ की लेबर पई उते पर सानू उदों डर सीगा भी ये खेती कामयाब होजू पर अज दे हालात देख के सानू ये लगता भी सानू अगे वास्ते इनू होर भी वधाउणा पऊगा। तो दूसरी मंग यह है भी सरकार ने उदों DSR मशीनां ते सबसिडी नू तरजीह दित्ती थी भी तुसी लवो भी असी ने सोसाइटी दे विच भी खरीदियां साढ़े जिमीदारां ने भी खरीदियां पर अज तक सानू उहदी सबसिडी नहीं आई। सरकार नू असी बेनती भी करदे आ देखो जे अगे वास्ते ये चीज़ां नू वधाउणा तां सबसिडियां देणा। हुण जीरी तो बाद हुण सुपर सीडर ते सरकार तरजीह दे रही आ भी सुपर सीडर खरीदो, असी ने सोसाइटियां दे तरफों भी अपलाई कीते ने पर असी बेनती यह करते हैं भी कितने पुरानी DSR मशीनों की तरफ मंगू सबसिडी कित जे ना आई साढ़े तो उस लोहे का वजन पै जाना है भी असी सानू नौबत आ सकती है खर्चे पक्षों। किसान वीरेंद्र सिंह का कहना है कि 45,000 लेबर की बचत हुई है जिस करके वह खुश हैं पर उत्थे ही 40,000 की सबसिडी सरकार वल बकाया खड़ी है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह नंबरदार जी, असी बिजाई सीधी करी एक 12 किले तो जिदे पिछों 1 किला असी जिहड़ा हैगा दूसरे लुट लाया 1509 का लाया लेबर दे नाल। DSR साड़ी ठीक खड़ी है जी, गल कर भी सानू गवर्नमेंट ने कोई सहायता नहीं की थी। आए ने जी 1-2 बार मैंने देख के चले गए, कोई इन्हों तक नहीं वो नहीं है ना जी, सानू कोई सबसिडी नहीं मिली। ये असी जिहड़े पैसे लाए ने वो सारे असी आपदे कोल ला के लए ने, सानू कोई सबसिडी नहीं मिली। पहला कहिंदे सी सबसिडी मिलूगी, हुण सानू कोई सबसिडी नहीं। उत्थे संगरूर दे खेतीबाड़ी विभाग दे मुखी डॉक्टर जसविंदर पाल सिंह गरेवाल दा कहना कि उन्हां नू सबसिडी दित्ती जावेगी। इस बारी जिहड़ा मतलब जिला संगरूर दे विच झोने दी सीधी बिजाई कोरोना महामारी करके किसानां ने मतलब सीधी बिजाई वल अपना रुझान काफ़ी ज़्यादा दिखाया। इस दे नाल मतलब जिहड़े हैगे आ जिहड़े साढ़े लागत खर्चे ने वह भी मतलब काफ़ी घट हुए ने, जिस तरह कि 1 एकड़ 3500 रुपए तो लैके 5000 रुपए तक का जिहड़ा किसानी खर्चा जिहड़ा वो घट होया। तो इस तो अलावा जिहड़ा हैगा साडा मतलब पिछले साल जिहड़ा मैं तुहानू पिछले साल दे रकबे की गल करा, पिछले साल मतलब सीधी बिजाई तहत मतलब जिहड़ा झोने का रकबा सीगा
वो सिर्फ 700 हेक्टेयर रकबा संगरूर जिले के मतलब बीजा गया था, जबकि इस सौनी की फसल के अपने 27,680 हेक्टेयर रकबा जोड़ा वो इस साल बीजा गया, जो कि 350 गुणा तो भी ज़्यादा रकबा मतलब हैगा। तो ये मैं ये भी दसना चाहना भी जोड़े किसान भरा ने इस तरह मतलब DSR बिजाई करके एक तो मतलब साड़ी जी फसल आ वो बहुत अच्छी हुई है, खेती खर्चे घट ने, खेती खर्चे के नाल जो पानी का मतलब जो लैवल आ सा दिनों दिन नीचे जा रहा वो उत्ते भी कंट्रोल होया, क्योंकि इस तरह बिजाई करने सा जो 15-20% पानी आ वो मतलब बचत हुई है। तो किसान ने इस मतलब तकनीक न कोरोना वजह के कारण मतलब इस बारी मतलब लेबर जी साब घट आई है, परंतु किसानों ने मतलब जी DSR तकनीक आनू बहुत ही मतलब जरा मतलब अपने चंगे ढंग के नाल अपनाया गया। तो सानू ये भी आस है भी जोड़े आने वाले अगले सौनी का सीजन आ जोड़ा अगले साल का सौनी का सीजन आसान इन बहुत ही चंकी तरह इनू मतलब अडोप्ट करे ये मतलब वो तो बिजाई करे। तो असी जिला संगरूर 75-80% जोड़ा मतलब सा टोटल रकबा वाही योग झोने के थले वो असी DSR मशीन के नाल लैके आवेंगे। जिहड़ी किसानों सीधी बिजाई वाली मशीन ने किनिया दे रहे हो, किन्नी सबसिडी मिल रही है, तो सबसिडी किसानों क्यों नहीं मिल रही? ये साडा जिहड़ा है जिला संगरूर दे विच DSR मशीन जिहड़े किसानों ने कुल लईयां ने वो 600 के करीब किसानों ने मतलब साढ़े को अपलाई किया, जिन्होंने DSR मशीन लईयां ने उन्होंने 10 फर्मा जिहड़ियां सीगियां अप्रूव हुई ने गवर्नमेंट वालों, तो वो 10 फर्मा जिहड़ियां अप्रूव हुई साढ़े को 157 जिहड़े केस ने वो फर्मा के अपरूव होकर आए हैं, उन्होंने उत्ते असी 20,000 रुपया प्रति मशीन के हिसाब से जी है सबसिडी आ वो असी मतलब देनी है, जिसकी कीमत मतलब 30,80,000 रुपया बन रही है। वो बारे सरकार वालों जोड़ा है वो सानू टारगेट दिता सीगा, परंतु वो असी टारगेट रिवाइज करने वास्ते भेजा, जिहड़ी अप्रूव्ड फार्मा ने उन्होंने मशीनरी है जी वो जल्दी उन्होंने सबसिडी है जी दे दी जाऊगी। कई किसानों को सबसिडी नहीं भी मिली? नहीं, कोई हाले किसी भी किसान सबसिडी है जी हाले नहीं आई नहीं मिली, परंतु जो भी पंजाब सरकार वालों जबकि साढ़े को पैसा आएगा वो असी उन्होंने किसानों के खातों के सीधे तौर उत्ते पा दी जाऊगी। ब्यूरो रिपोर्ट अजीत वैब टीवी, वधेरे खबरों के लिए तुसी बने रहो अजीत वैब टीवी के नाल। देश दुनिया से कोरोना महामारी का असर, इस जरूरी है कि तुहानू मिले सही जानकारी अते पता होवे सच्ची खबर। अजीत वैब टीवी दे सैकड़े पत्रकारां दी है हर पल हर जगह ते हर स्थिति ते पैनी नजर। पिंड कस्बा शहर होवे या देश विदेश, असी जुड़े हां तुहाडे नाल अखबारां ते सोशल मीडिया राही। कलम दी ताकत ते वैब टीवी दे माध्यम दे नाल हर जन तक पहुंचावांगे हर मन दी आवाज, हर आमो खास ते हकूमत नूं भी करांगे सवाल जवाब। आप नहीं तां पहुंचेगी साडी वीडियो कॉल। अफवाहां तों बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वैब टीवी दे नाल।